प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये विधानसभा का एरिया है जो पीछे हम दिखा रहे हैं आपको। धुंध अभी भी है, सड़कों पर सन्नाटा है, जो हवा चल रही है उससे ठंडी जो हो रही है वो बड़ी चुभन जैसी लग रही है। तो कड़ाके की ठंड है और लोग घरों में रजाई में दुबके हुए हैं, कोई निकलना नहीं चाहता इस कड़ाके की ठंड में। राजधानी लखनऊ में ठंड बढ़ गई है, पारा बहुत नीचे गिर गया है और लोग घरों में दुखे हुए, सड़कों में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हम एक चाय की दुकान मौजूद है जहाँ कई लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि ठंड का क्या माहौल है। भैया बहुत लपेटे हुए हैं, कितनी हो रही है? अरे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है और बाहर बहुत ठंड हवा चल रही है। किस तरीके से बचा जा रहा है ठंड से? चाय पी रहे हैं लोग, सुबह से चाय की दुकान पर लाइन लगी हुई है, कान बांध के रखो एकदम, हवा बहुत चल रही है। आप लोग कहीं बाहर से आए हैं या निकलने की तैयारी है? निकलने की तैयारी है, बाहर जा रहा हूँ, सुबह से निकला हुआ तो शायद निकल जाए। तो ठंड की पूरी व्यवस्था करके जा रहे हैं आप? बिल्कुल, देख लीजिए बैग पूरा बिल्कुल पैक है, ओढ़ने बिछाने से लेके बिल्कुल पहनने तक पूरा व्यवस्थित है। आइए, हमारे दादा एक और साथ बात करते हैं। क्या बात है, कितनी ठंड हो रही है दादा? भैया कितनी ठंड हो रही है? बहुत। आज ही हो रही है, रोज हो रही है? किस तरीके से बचा जा रहा है इससे? चाय पानी का चाय दे दो भैया, व्यवस्था है अलावा कहीं गली नहीं रहा, बहुत ज्यादा नहीं। दादा कैसे, किस तरीके से ठंड हो रही है और किस तरीके से लोग नहीं जा पा रहे हैं बताइए जी। जी तो चाय पी के आपके पास थोड़ा सा राहत मिल रही है? तो चाय पी करके लोग ठंडी से थोड़ा निजात तो पा रहे हैं, लेकिन राहत तो जब धूप निकलेगी तभी मिलेगी। मैं रजीश यादव, प्रभात खबर लखनऊ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।